कई बार बनाए होंगे, लेकिन इस तरीके से बनाओगे तो और भी अच्छे और स्वादिष्ट पकोड़े बनाओगे आप। और हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को देखना है लास्ट तक। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी कोसी किचन पर। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के पकौड़े पनीर वाले, जिसके लिए हमने एक कप बेसन लिया है। ये इसको हम मसाले के साथ घोल बनाएंगे इसका। चलिए घोल बना लेते हैं और इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। ये एक चम्मच अजवाइन है, इसको हम थोड़ा सा क्रश कर बेसन के अंदर डालेंगे इस तरह से। अब एक चम्मच धनिया लेंगे, साबुत धनिया, इसको भी हम हल्का हल्का थोड़ा सा क्रश करके ही इसके अंदर डालेंगे। इससे ना पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब इसमें हम धनिया की पत्तियां ऐड कर लेते हैं, साबुत धनिया, ये हरे धनिया की पत्तियां हैं। ये आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। ये थोड़ी ही दो तीन पिंच ही हमने लाल मिर्च ली है, इनको भी डाल देंगे। ये हमने ना थोड़ा सा पीली मिर्च ली है, आप चाहो तो इसकी जगह काली मिर्च भी ले सकते हो पीसी हुई। अब हम स्वाद के अनुसार अपने नमक डालेंगे, ये तीन चार पिंच ही हमने लिया है चाट मसाला। अब इनको ना एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ही पानी मिलाएंगे और घोल बना लेंगे इसका, एकदम से नहीं, क्योंकि लिक्विड डो तैयार करने वाले हैं हम, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी मिलाया जाता है। ये देखिए हम भी यही मिला रहे हैं, क्योंकि अगर एकदम से पानी मिला देंगे तो गुठलिया बन जाती है इसके अंदर। ये देखिए हमारा डो एकदम तैयार हो गया है, कितना अच्छा स्लिप कर रहा है। देखिए इसी तरह का हमें डो तैयार करना है। अब हम इसको ना 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। बेसन को हमने रेस्ट पर रख दिया है, तब तक हम अपने पनीर के टुकड़े कर लेते हैं। देखिए हम ना पनीर के इस तरह से टुकड़े करेंगे, आप अपने हिसाब से रख सकते हो बड़े छोटे, जैसे भी आप पकौड़े बनाने चाहते हो। अब हमने इसके इतने बड़े बड़े के अंदर से भी हम एक कट कर लेते हैं। ये देखिए इस साइड से ही नहीं, इस साइड से इसी तरह रहना है। अब इसको इसे बीच में से कट कर लेंगे, सॉरी बीच में से ही कट हो गया। अब इसको भी हम ऐसे ही कट करेंगे, सारे पनीर के टुकड़ों को इसी तरह बीच में से कट कर लेंगे। ये हमने सभी पनीर के टुकड़ों को कट कर लिया अच्छे से। अब इनको तो हम एक प्लेट में रख लेते हैं। ये हमने सभी पनीर के टुकड़ों को प्लेट में रख लिया है। अब इनका हम मसाला बना लेते हैं। ये देखिए मसाला, हमने ये थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, ये नमक है, और ये चाट मसाला, और ये पिसा हुआ धनिया है। अब इसको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। ये हम अपने पनीर के टुकड़ों के अंदर डालेंगे। अब ना चाकू या चम्मच से आपको इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल देना है, सभी पनीर के टुकड़ों के अंदर, सभी टुकड़ों के अंदर डालना है। ये हमने सभी मसाले इसके अंदर भर दिया है। ये हमारा 250 ग्राम पनीर था, ये देखिए सभी टुकड़ों के अंदर डाल दिया है। अब हम अपने बैटर को देख लेते हैं। ये देखिए हमारा बैटर एकदम अच्छे से तैयार है, फूल चुका है। अब इसमें हमें थोड़ा सा एक आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे, हल्का सा ही। ये डाल दिया, देखा आपने, आधे से भी कम बेकिंग सोडा था ये। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक चम्मच गरम तेल है, इसको हमने एकदम फोक किया। ये हमारे
जो क्रिस्पी बनेंगे पकौड़े उनके लिए डाला है। और बेकिंग सोडा हमने ये फूल गया है बेसन, फूले फूले से बनेंगे पकौड़े, उसके लिए डाला है। ये बैटर हो गया हमारा कंप्लीट, इसको रख देते हैं हम एक साइड में। अब हम ऑयल को रख लेते हैं गैस। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है जो हमने रख दिया था पहले से, देखिए भाप ऊपर आ रही है। तो अब हम इसमें कर लेते हैं अपने पकौड़ों को फ्राई। चलिए फ्राई कर लेते हैं। फ्राई भी देखिए आप एक दो पीस इसके अंदर ही डाल लेने हैं। ये देखिए ये इसको एक बार आप ऐसे डबोया और ऊपर ले गए, ये एकदम सारे पे लग जाएगा, फिर नीचे की तरफ एकदम तेल में छोड़ देना आपको। ये प्रोसीजर हम सारे पकौड़े का रखेंगे। ये हमने डाल लिए इसके अंदर, हाफ डाले हैं और आंच को भी हमने कम ही रखा है, मीडियम आंच पर ही पका रहे हैं हम इसको। अब इनको ना थोड़ा सिकने देते हैं, ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे सिक कर, हल्का हल्का ब्राउन होने देंगे। ये देखिए इतना सिक चुके हैं ये, इनको हम ना अब बाहर निकाल लेते हैं। एकदम तैयार है हमारे पकौड़े बनकर। इस तरह से थोड़ी ही देर तक हमें ऊपर ही रखना है कढ़ाई के ऊपर, और इनको बाहर निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए टुकड़े को भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पकोड़े कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, एकदम अच्छे बाहर से क्रिस्पी है, ये देखिए आवाज भी क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। ये देखो अब ये हम काट कर दिखाते हैं आपको, गरम है एकदम, कितने अच्छे से अंदर से भी कुक हुए हैं। अब इनको हम एक सर्व प्लेट में डाल लेते हैं। ये देखिए हम अब इनको सर्व कर लेते हैं सॉस के साथ। आप जो भी जिस भी सॉस के साथ खाना पसंद करते हो, हरी सॉस के साथ या मीठी चटनी के साथ। ये देखिए हमारे पकौड़े कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, ये हमने एक सर्व प्लेट में भी निकाल लिया है। कैसा लगा आपको हमारा ये तरीका? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर करना, और ये अनुभव जैसा भी आपने बनाना सीखा हो हमारे चैनल से तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें आगे से आगे दोस्तों में अपने।